साकार हेबाकु जाउछि प्रधानमंत्री स्वप्न। पूर्वोत्तर विकास रे माइल खुंट हम टीएफएल बा तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड 2024 सेप्टेम्बर मास 10 सुधा पूर्णांग रूप नहीं कार्यक्षम हे देशर प्रथम कोल गैस बेस्ड एमोनिया यूरिया प्रोजेक्ट। तेरे प्रकल्प कार्यर अग्रगति संक्रांत प्लांट परिदर्शन करने समीक्षा करेंद्र रसायन और सार मंत्री मनसुख मांडव्य एवं केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। उभय मंत्री विभाग अधिकारी उपस्थित विस्तृत भाव निर्माणाधीन प्लांट कार्यर अग्रगतिर समीक्षा कर। अठार मसीह माननीय प्रधानमंत्री ये प्रकल्प काम आरंभ करते तार निरंतर समीक्षा श्री मांडविया दिल्ली में बसिकी करती। गत किद पूर्वे यीर राष्ट्रमंत्री भगवंत कुबा महाशय भी इठिक आसी परिदर्शन एवं स्वयं से आसे ये कंपानी प्रोजेक्टर प्रगति सठी समय हो ना पखापाखि 17,000 कोटी टंका खर्च कर आत्मनिर्भर भारत पाई चाषी मान सुविधा पाई यूरिया बनु आम राज्य यूरिया बनु राज्य चाषी मान काम लगू ये उद्देश्य प्रकल्प को निर्माण करा जाउछ। द्वितीय महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रकल्प अच्छी भारत में अपार कोईला गच्छित अच्छी से कोईला धीरे धीरे पर्यावरण समस्या को ध्यान रखिकी बिजुली उत्पादन तो आज हूँ धीरे धीरे कमिम तो कोईला को अन्य को उपाय किमती विनियोग कोल टू सिन गैस ये प्रकल्प आज विश्व में ये टेक्नोलोजी प्रतिपादित हो सारी ये टेक्नोलोजी को भारत में भी उपयोग कोल इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ये तीनोटि जाक कंपनी मिलित उद्योग प्रकल्प आरंभ हो प्रकल्प खूब शीघ्र सरु यहां समस्त अपेक्षा स्थानीय अर्थनीति स्थानीय रोजगार स्थानीय व्यावसायिक वातावरण प्रकल्प बहुत बड़ा योगदान रहा। आत्मनिर्भर भारत एनर्जी सेक्टर में करने के लिए देश का सबसे बड़ा और पहला कोल गैसिफिकेशन बेज यूरिया प्लांट का काम चल रहा है। काम आने वाले दिनों में गति से चले, देश यूरिया सेक्टर में आत्मनिर्भर बने, देश की अपनी संपदा ऐसे कोल उसका ही उपयोग करके उसमें से गैस का निर्माण करके यूरिया बनाया जाए, उस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जी ने तालचर में कोल गैसिफिकेशन प्लांट का शिलान्यास किया था। काम गति से चल रहा है और अक्टूबर 2024 के पहले ये देश को समर्पित हो जाएंगे।